मानव सम्मान के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, राम राम। साल एक तेतरे संगार पूरे ना होते ले धरले इसने की के क्यों था धरले इसने ओ न मैं लेकर चलू आके कौन तेरा बाबू लेकर चल लगा तू लेकर चल लगा आया है कदर करी है तने मेरी सारी उम्र है फिर बोझ रोण मैं के मैं के टूट गया की तेते एक बात बता इसमें मेरा एक भी लत्ता कोना सारे छींद रहे तेरे से फिर क्या हो गया मेरे हाथ ब्याह करा था जब तने कही थी वचन भरी चावल और गुड़ और के मेरा के तू भूखी कुतिया की त्रिया राशन गाल ले इसमें मैं तने भूखी रखो मेरी बेइज्जती करा दी तने अपने घर अच्छा फरी का तो मैंने गोबर मिल जाए मैं उसमें भी कौन छोड़ दू मेरी माँ ने चावल कटवा रखी थी क्या मैं खाया करे फिर रोटी गु खा लिया करे गड़ा ना बोला है समझ गया गाड़ में तमाशी खाने की जरूरत नहीं है गाल में भी लड़ती आवे है कि मैं तो शर्मा लिया कर नू देख लिया कर आस से पड़ोस से तेरा गणेश शर्म के झंडे टंग रहे हैं आ जा ये गेट का हाथ मार दे रहन दे पड़ा रहन दे हाँ आन दे लोगा नगरा देखन दे तमाशा उठन दे धूमा घर के महा नास सुसाइड में गया था लीतरे देख इसके तो और क्या हो गया सारे तो राह लड़ती आई है इन्हें शर्म नहीं आती भली बूटी कब है बहरा कुछ सुना है गाने बता दे बगैर मेरे शर्मा मारिया पानी तो लिया बेटी आए बेटी एक बात बता तुम दोनों बाजार में जाओ हो आओ हो कितने भी आओ जाओ और तो सारा सामान देखे अब उठा के चल लिया करे तेरा छोरा थोड़ी उठा के चल लिया करे तन्ने भी कमें शर्माना चाहिए देखा करके मैं लोग लाज ने जा बेटी लिया पानी ठीक है बट 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 एक बार सर वो जंत्र इंजन तक इतना खटका को नहीं अगर उसने बंद कर दियू मैं खटके सारे पाड़ रखे हैं तने राम ने ये मुझे दे दी तेरा ना लुगाई है भरगी शक्ल से तो रुक जा काम खा एक तो इतरे ए रीना रीना ए ये बैग ने भी धर दिया बेटी ए ये बैग म लड्डू से बेटी उन ना देख काड़ी ये देख कदे फूट जा बोरा हो जाएगा कि मैं तो गिरता ले आया है और चावल चूड़ गुड़गड़ से इसमें गई सारा सामान काट लिए बेटी ठीक से हां बेइज्जती करा दी तने के बेइज्जती करा दी अच्छा बुरा खा का आया है ठीक है रान दे मेरे घर में बुरा खांड से कौन है फिर के करण गया था मेरी गेल रोज की रोज चिकन हाथ फेरो इन मुच्छा के ऊपर कहू ना राख रखी है समझ देसी घी पी मुच्छा तो तड़ा भी उतरिया अरे एक तेरे भाई से 50,000 रुपये लिए थे एक पैसा उल्टा नहीं दे लिया अरे लेना लेना जानो सक देना भी जानो तुम बेशर्मो नंगर की तरह इमा बेशरम होगी पैसे मेरे भाई ने ले रखे हैं बेशरम मैं होगी तो तू उसकी हिम्मत करने लग रही तो बेशरमा की बेशरम बाहर ना जब देगा जाड़ का डाते कि मैं ना मिल रहा है ठीक है सुथरी तरिया देंगे कम तक कम उसने नू तो सोचनी चाहिए अरे फोन के ऊपर फोन करते मैंने कई महीने हो लिए चलो कोई बात ना नहीं सुनवाई करी अरे मैं पाठा के इतनी दूर गया मैं बूढ़ा आदमी उसने कम तक कम नू तो देखना चाहिए अरे पूरे नहीं तो वहां दे 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 पैसे लेने गया था तू ब्याह में पैसे की किसने जरूरत कौन है होती ना मतलब उनका तो ब्याह और तू पैसे लेने गया है तेरे समझ नहीं आई और ये तेरे हार श्रृंगार कितने पूरे करूंगा मेरे घर ना नोटा पेड़ लग रहा है के अरे खमे दो पैसे गोज माओगे जब इवे तू इस उम्र में भी लाल उठ करे हंड खून पीनी डाने की तरिया कितना है रुपया एक तो है ना थोड़ा तमीज तो बोल ले मना समझ गया ना तो एक मिनट लाऊंगी तमीज तो तू मेरी माला के जान में कदे नु सोचता हो के या तेरी बात ना सुनी जाएगी बहुत होली है कभी शर्म तार का दर्दी सने ने मेरा ना त्री लगाई लग गया है कि के लग गया है लगाई को ना लोग से तू मेरा ए बहन जी बेटी उरे ना बेटी आए बेटी राम राम श्याम श्याम आए के मैं तो लखन सीख ले मेरी बेटी आखिर पढ़े लिखे से तू अ तो बोलन तो डट जाएगा उसकी सुन लिया तगा जे तै आगी बे ब्याज त मां प्रैक्टिकल था वो जमा करवाया ही आगे जल्दी फेरी भिंडी सूखी भिंडी के समू कैद कर रही है के मैं ना मेरा दिमाग खराब हो रहा है जत कर ले शीला दिमाग ने भीतर जाके ना सारे के खराब हो रहे हैं तने सारे अपने बल गिर लिए खून खून असर कर रहा हो अच्छी रांद कटरी थी आ टपके रांद ही की सातवां बार शुरू होगी ये फिर वो काम में लेकर टोका टाकी शुरू हो जाएगी यो ना करया वो ना करया न्यू कर दिया अच्छा इसे बालक बना दिए रांद दे तने बनाए इस घर की हवा बगाड़ के दर्जी तने और मारी लिमिट में बोलिया कर या बहू सुने है इसी इज्जत तेरी मेरी करेगी या इसी इज्जत तेरे छोरे के करेगी तू चुप हो जाएगा ना तो सारी इज्जत हो जाएगी ना सा मांग ली देगी के मेरे है हट और के बात आती है ना हट चाल भाज ये रहना
ढींडा है, आया आधे घंटे में एक बजे का नजर आओ मेरा ना भाई की तावड़ा भाड़ है ये तो है कड़ा पूरे दिन का यार यो कोई मतलब थोड़ी हो है दोस्ता गिला चला गया मैंने 3 दिन हो लिए कॉलेज तक बंक मारते मारते तो टाइम मेरे तक देवे हर पावक अपने दोस्ता के लिए तेरी समझ में क्यों ना आती कि मैं तेरे खातर कॉलेज में आऊँ हूँ और तू है तू अपने दोस्ता के ला चला जा है ठीक है मन नहीं बता दे किस खातर कॉलेज में जा है बोला ना के साफ सुन गया चोरी पकड़ी गई ना बाबी यो तो मेरी फ्रेंड थी उससे बात करूँ थी मैं फ्रेंड थी था पागल बनावा मने सारी बात सुन ली समझ मागी तने पढ़न खातर कॉलेज में भेजा हाँ अक यार बनान खातर तेरे माँ बाबू ने जब बेरा पट्टेगा अक छोरी यारा खातर कॉलेज में जा है तो तेरा के हाल करेंगे भाभी घर आला तो ना बताइए ना था तो फ्रेंड है पर के पर है हम एक दूसरे ने पसंद करा हाँ तू पसंद करे है यह बात जब तेरे घर क्या ना बेरा लग गई तो तन बेरा है ना तेरा के हाल करेंगे कल ने कि मैं ऊंच नीच हो जाती अरे मैं तेरी भाभी हूँ एक अच्छी दोस्त समझ गए मेरा आगे शेयर कर लेती मैं भी एक लड़की हूँ इस दौर तक मैं भी गुजर रही हूँ मन्ना बताती तना मैं अच्छे तरीके से गाइड करती भाभी मैंने तो डरती ना बताई आप तो कदे आप घर आला तो बता देते मैं तो क्यों बताऊँगी घर आला ने और तू भी ना बता दिए तेरे दाऊ डाल बेरा होगा कितने एक बलड़े हैं तेरे घर के और वो तेरा भाई कति पुरानी ख्यालता का से समझती होगी बेरा से भाभी तो भाई तो मैंने कति जीती नहीं दाब देगा हाँ तो और के और मैं तेरी गेल हूँ कि मैं भी बात हो तू मेरा आगे बताओगी और जो मेरे पर बन पड़ेगी ना वो मैं तेरे खातर करूँगी ठीक से 2-3 दिन हो गए थे देखने लग रही थी इतनी परेशान चल रही है पहले ही बता देती इतना दुखी ना होना पड़े रे ठीक है भाभी अगर आगे तो मैंने कोई प्रॉब्लम होगी ना तो मैं खुल कर अपने मन की बात आपके आगे शेयर करा करूँगी हाँ ठीक से आ जा रही नीचे रोटी बना रखी है वे खा ले और फिर वो मशीन चलाई थी मतलब लत्ते पड़े हैं उन्हें पानी पानी में काट दिए आ जा फिर सुनूंगी तेरी सुना के वो मेरी माँ का फोन आया था अनू ने देखने वाले आते होंगे तो वह कहती एक बार खड़ी खड़ी आ जाइए गरा तो एक बार फटवा लेते तेरा दिमाग में कमी हो रही है दिमाग में कमी वाली कौन सी बात है रिश्ते वाले आओगे उसके तो घर मेरी माँ एक लिए दुखी हो जाएगी उसने रिश्ते वाले की जरूरत है तेरा लग गया है बात है बस दी अंडा लोगा गला है मैं नहीं कहूँ ओली जाली बात है ना बार बार ठाकर मत लेकर आया घर होगी थी गलती उस पर जो सोचा समझा प्लान था वो छोरे का चेप होने का शुक्र मना ये तो छोरे की किस्मत अच्छी थी नहीं फंस गया था बेचारा तो बात गिला छोरे ना गलिया वे सारी गलती वो छोरे की थी मेरी बेबे थी धोखा दिया उसने मेरी बेबे मरती मरती बची है छोरे की गलती तो अपना आप हो जाए है आई है आसमान लग रही तो ठीक है तू इन पाछली बात ने छोड़ आज रिश्ते वाले आवे तू मने लेकर चालो रे कोई जरूरत कौन जाने की हो रही है पाछली बात और नहीं बात है क्या तो कौन जरूरत है ना मेरा रिश्ता खत्म हो गया उनकी गेला मेरा हो रहा है तो तेरा हो रहा होगा मन ने छोड़ा तो तू मेरे गल्ले होगी वाह हाँ। तेरा शादी होगी तो मैं तेरी गेला होगी इवन की गेला मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं रहा है तू तनु का है तेरी बेबे उल्टी आ क्यों कर गई तेरे माँ बाप ने बाढ़ क्यों कर ली अपना क्यों कर ली जान तो क्यों ना मारी वाह वह बाजी की थी उसने परे की परा टपा दें दे घर आ जानी की जरूरी थी मैंने बता दे तो मैं कहने लग रही हूँ मरती मरती बची अपनी जान तक देनी है कि मैं कौन इस तरह मरिया कौन कर दी छोरे ने मारिया करा है बहुत हो गया है बहुत हो गया है नहीं लेके जाने ना साफ साफ नाट जा उल्टा सीधा बोलने की कोई जरूरत को नहीं नाट गया तो ठीक है कौन जाती तो ना जावे फिर यही मैं कहूँ समझ में तो कौन आंदी यह क्यों कर बैठी है आज ये बात होगी ये हैं वो तेरा बेटा सारे ने ओछे उलाने देता रहा है के कह दी उसने मन आज घर जाना था अपने मेरी बेबे ने देखने वाले आऊंगे साफ ना हट गया बोले इसी ना ब्याह की जरूरत ना होया करती भाज जाए घर उल्टा सीधा बोले जागा 24 घंटे कोई बात ना जब कह दी ठीक है तन जाना है तो तू चली जा नू गए मेरे तो ऊपर होकर ना क्यों चली जागी और जब चली गई तो इस घर में ना बढ़िए फिर इतने पड़ा है प्रदीप रे ओ छोरा आवा
पूरे ना जब तू कि मैं कहोगी तनु कहोगा मन्ने सिखा दी होगी तू तो फिर के बात होगी हम पड़ोसी हैं के उसके मुंह में जो आओगा वो बोलेगा के वो बोलन लाग रहा है वो तो ठीक से कल सांझ का के कहो दी मां तो के बात से के होगा तू बता दे के हो गया होले पर ना इन्हें जान क्या तना देता इनके घर कित आए कौन जाना मां क्या तना जाना तो जावा किस खतर नु तो देख ले मां तू बेटा बात सुन घर में सारे डाल के बाल को आया करें ठीक से अपना तो कौन ही इसमें इसकी की गलती है रे इसका तो पीर आना जाना सही बे तो माँ इनके घर के बुलावा है तो जा है या तो मेरी बात सुन वो छोरी खतर नहीं जाओगी घर के बुलाओगे जब बिक जाएगी हाँ तो फिर इनके घर क्या है ना बुलाई होगी अब छोरी ने फोन करके बुला ली घर में कोई भी फंक्शन हो जाते घर क्या की मर्जी तेगी अरे बेटा बात सुन घना दिल पना लिया करते कोई बात ना बालक से गलती हो जाया करे माँ ये गलती को नहीं होया कर दी तू क्यों खाम खा इसकी बात मान लाग रही है इसी है ना दूसरे ने और बिगाड़ा करे खाम खा मैं गलती मैं इस ना तो इसकी बात मानती ना मैं अपने दो रहता था ना कि मैं कहती मैं तो सिर्फ न्यू को हूँ तू एक बार दिमाग से सोच कर देख ये उस पर गलती होगी तो सुधारण का मौका कोई देगा कौन देवा अरे एक तो मेरे घर के ना आप ना ली घर के गलती ना भूल गए तो तेरे की दिक्कत से गलती तो यही हो रही है तारे घर क्या पे ओ भाई सुन मेरी बात मेरी को ना सुनते इस अंदर भगवाल का अपना भी घर में हो सका है तो बेटा मेरी बात सुन ले ध्यान तो सुन ले कुछ ना दरिया इन बात मैं वो जाएगा बालक तो गलती सलती ठीक से उसने एक मौका तो देना चाहिए ठीक सुधरण का इनके घर क्या ना जब वो मौका दे रखा है तो तू क्यों पचोड़े मारा है बीच में मैं मसा ही मारू पचोड़े इस तरह की छोरी है ना दूसरे का नाश करया करे बस दूसरे का नाश करया करे तो तू मत जाइए मन्ने मन्ने जा लें दे क्या है तरह रे तेरे एक बार कई समझ में कुने आंदी तने की सोची मां का इस तरह हिल पोसड़े तारे की तो बिक जाएगी तो इतना खार क्यों खा रहा है तू मानता क्या तो कौन है मां की बिना मानना के तू इतना बड़ा हो गया हां या कोई बात ना होती प्रदीप मन्ने तो तेरी बात क्या अच्छी कौन लागी मेरी बात सुन मां एक बार तीन में नाट गया तो तेरे आगे क्या कर रगड़ता है अरे इसने ना गाया रगड़ ये तो मन्ने बुझया है जा बताई अगली ने ना मेरे दो ऐसा स्पेशल गई थी बतान ताई या लड़ा बैठी थी तो मां आएगी अरे भाई मेरे ती बता दिया था कि पड़ोसिया थी बता दिया बेटा मन्ना तो समझा दिया इब तेरे समझ में आवे ना आवे वह तेरी मर्जी आ रही है मां मेरा समझ में हां मतलब ना आ रही है ना हां गणी अच्छी बात से मां बात तो ऊपर को कर ना तू ये काम करे आजे बात समझा दे छोरे ने की बात होगी सारी आण थारे चेक चेक रही है रे चेक चेक केवा बहु जानती होगी अपना पियर उसने जान कौन दिनता बताई इसने के चावा है यो ठीक से के बात होगी भाई मन बता कि मैं बात करना मतलब साली बेबे ने देखा खतर हम दो अच्छा उनका मन करा छोड़ दिया मैं कोई बात नहीं मैं उरे रहे काम कर चल बेटा सारी बार तू इस बहू की गेला सिर्फ जब लड़े है जब यह घर जान की कह है अरे जालन दिया कर भाई के बात होगी अरे आड़े तेनारा एक वो है तगर से इसका जाएगी दो चार दिन के बात से बाबू तने सच्ची बताऊं मन ओड़ा का हिसाब किताब सही को लगदा बेटा मैं सारी बात तने समझू हूँ पर तू एक बात बता आजकल के जवान बालक से भाई हो जाए अगर ये हिसाब किताब मारे आड़े पुराने टाइम कौन आ रहे रही ठीक से अरे छोरी की भी सारी गलती कौन है भाई चलो कोई बात ना इस साल की मुट्ठी गलती हो भी गई लेकिन सारी गलती तो उस छोरे की है अरे छोरी की जिंदगी खराब नहीं हो जाए अरे मैं तो भला मानू ही के घर क्या का जो यार रख ली अपना ली अरे नहीं तो इस उम्र में छोरी की जात के मेरा के गलत सोच जा ऊंच नीच कर दे के मैं यही तो फर्क है सोच में जब छोरी मौका बैठा जे ने तो छोरे की गलती अपना आप हो जाएगा करा सारी अरे यह बात में तो हमने समझाने लग रहा हूँ मान जाओ मेरी बात ने अरे मेरे बेटे तू इतना मन अपना दिमाग खर्च करया कर ये सोचना है डिसीजन लेना है ये काम धाम करना है ये घर के जितने भी सारे काम है ना मेरे ऊपर छोड़ दे मैं बैठा हूँ तेरे सिर पर तू सिर्फ अपने काम का ध्यान रखा कर माड़ा हो जाएगा और 24 घंटे की कड़ा घर ना खा जाया कर नाश करा दिया रहा ढूंढ का समझ गया बाबू मैं कड़ा कौन करता छोरी तो अपने घर भी है अगर इस पर इस तरह का कोई काम हो जा रहा मेरा रवैया यो ही रहना था जो रिनाली बेबे खतर है बेटा नुए कह दिया करे हैं आजकल का बालक से तू जवान खून से पर तने बेटा आबादी देखी है मैंने लोगों की बर्बादी भी बहुत देखी है मैं जानू हूँ लेकिन मेरा वो रवैया रहे जो इरीना के बाप का रवैया है समझ गया अरे भाई कई बार माँ बाप जो डिसीजन ले लेना वो भी सही नहीं होया करे है इब एक बात बताया रामधन की छोरी थी रामधन ने कितना पैसा लाया गाड़ी ती दी और के करे वो बटे उन्हें ला के उल्टी घरा बैठा दी दूसरा ब्याह कर लिया ना अरे वह तो देखभाल का करी थी तो बाबू कई बार कर्म भी हो जाया करे खुद के जरूरी को नहीं है अगर दा
कि सारा मतलब ये चीज होंगी। अरे जन्म मरण लगन तीन चीज मानस के हाथ नहीं होया करे मेरा बेटा, ठीक से। और दूसरा देख तू, रा मेरा ली छोरी है, बाज का ब्याह करया था, वो छोरा कुछ नहीं करया करता, खूब धमकाई घर क्या ने, खूब खुरकाई, लेकिन घर छोड़ कर भाज गई, बेरोजगार के लिए भाजी थी। अरे पाछा छोरे की नौकरी लग गया, ये सरकारी अफसर बनया बैठा है, इवन क्या घर भी आया है, रिश्तेदारी नू बन गई, अरे नवा अच्छा भी लग गए है। अरे वो डिसीजन तो ही छोरी ने लिया होगा, अरे तब बालक खुश रहने चाहिए। तो बाबू तने एक चीज गिनवाई है, उस तन यारे कितने केस और है जो कोर्ट कचहरिया में भी पड़े हैं, तो फिर क्या हो गया? मैं कौन दिखे था ना बाबू? अरे मेरा बेटा, बालका की खुशी तो बढ़कर कुछ नहीं होया करे, ये बतरा बालक कौन है, इबे तो तेरा ब्याह ब्याह होया है, बाप बन जा जब तने बेरा पट्टेगा। अरे औलाद के दुख गेला तो दुख जुड़ रहा हो, माँ बाप का सुख गेला सुख जुड़ रहा हो है, समझ गया? घनी चिंता ना करे, जा भीतर। ठीक सर। अपना काम देख ले, ध्यान लगा कर अपने काम में, समझ गया? तेरी माँ ना कहिए तो गुस्सा कर देगी। आ रहा हूँ, सरमंदर धो रहा है। भाभी आपसे एक बात करनी थी। बोल। मने डर लग गया है, जब भाई थारी वाण खातर इतना नाराज होया रहे थारते, और जब मेरा बेरा लगेगा तो मन तो जीते मार देगा। तो मैं की गलत कौन थी तने, देख लिया होगा किसा स्वभाव है तेरे भाई का, पर तू दिक्कत ना मन, मैं हूं ना तेरी गेला, तेरी गेला कुछ गलत ना होने दो, ठीक से? पर भाभी अगर भाई ने बेरा लग गया तो? क्यों कर बेरा लग जाएगा, ना तू बताओगी ना मैं बताऊंगी, तीसरा आदमी कौन बताओगा, किसी ने बेरा ही कौन नहीं। जब जाते इधर तक हूँ, किसी और तो बताने की कोई जरूरत को नहीं है, तन उस लड़के से मिलना है। देख जब घर बेरा लग गया ना तो तेरा कॉलेज भी छूट जाएगा, फोन भी खुस जाएगा, फिर तो भूले जाइए उस सोरे ने। ना भाभी मैं तो उसके बिना एक मिनट भी को नहीं रह सकती। और वो भी बस, तो फिर जब दोनों जने तुम राजी हो, मेरी बेबे के मैं तो केस में बातें नहीं आ रही थी ना, वो लड़का धोखेबाज निकला। तो भाभी तुम घर वाले तो बात कर लो कि मेरा मान ना जाओ। क्यों कर मान जाएंगे, मैंने जान खातर तो राजी को नहीं वे, और मैं कहूंगी एक थारी बाण किसी ने प्यार करा है, काट कर दाब देंगे तने, बकवाद लग रही करण, बात कर ले कर क्या था। तू दिक्कत ना मान, जब सही टाइम आओगा ना तो तेरा उस सोरे के लिए ब्याह भी हो जाएगा, और तू फ्री माइंड होकर ना कॉलेज जाया कर, जो भी बात हो मेरे तो बता दिया कर, ठीक है? टेंशन लेने की जरूरत ना, ठीक है। यो ना बदले पूरी जिंदगी, यो अपना सब भावी सा ही रखेगा, ठीक से? अरे यार गलत फहमी तू भी ना पाड़ ली एक, तू बता दे तेरे भाई ने तेरे घर क्या ना, कोई ना समझे तेरी बात ने। ना ना मैं क्यों बताऊंगी, मैंने मरना थोड़ी है। हाँ यही बात समझाऊँ तने, एक तो वो स्लिप पर मेरा फोन धरा है, वो ठाकन दे दे, मेरे घर बताऊँ को नहीं आ सकती मैं, और हाँ रसोई में चून भी रखा है, रोटी गाल दिए तू। पर भाभी रोटी पोती आना तो मैंने वार हो जाएगी, और मैंने तो जाना था कितने वार ने कितने बिजली ना पड़े, कितने तू लेक्चर अटेंड करने ना जाती, मैंने बेरा कि जा है समझ मांगी, वो काम कर दे ना, तो मैं तेरे भाई ने बताऊँ फिर कड़े क्लास लग गए तेरी। ना भाभी भाई ने ना बताइए। जा तो फिर वो फोन पकड़ा दे, रोटी पोदे। बड़ी वार हुआ इसने, ये भी इनकी खुद दाढ़ी बात चाहिए ना, जब तेरा पट्टा का इसके भाई ने बेइज्जती क्या न कह अगर घनी बात मार है ना मेरी बाण पे, कोई बात को नहीं, ये मैं इसने घर रहने को दूँ, बचा के ही मानूंगी। ओहो आज तो टाइम तैयार है, हमेशा ही आऊँ हूँ। रहने दे, आज टाइम तो आ गया तो हमेशा आवे है। हमेशा लेट करवाओ तुमने भी। मैं और रहन दे, गोली देने का काम तेरा से, मेरा को नहीं। चल थोड़ी लड़ी भाई। कबा मन्ने एक मैं आऊं हूं, और फिर दूसरी मिनट में फोन करके पूछूंगी ना कड़े है, दोस्ता के लजा लिया मैं तो लड़न आई की तुम रहते ना? लड़न को नहीं आई मैं, कुछ काम की बात करने आई हूं। ना नु क्या हो तुम? ना मैं तो कभी मिलने ना आती तेरे। मजाक करूं यार, छोटी छोटी बातें ना सीरियस ना लिया कर, और सारी आने रोया ना कर, रात ने भी रोने लग रही थी। मेरी बात सुन, ये बना अपने घर में ब्याह की बात चला ले, अगर जब ब्याह ना होया ना तो सारी उम्र का रोना ही लिख दिया फिर तो ये ब्याह खड़े यार है, ये तो पढ़ा हाँ पा तो कि मैं नौकरी नौकरी लग जाएंगी, मेरा पे रपे कमावा जब भी तो ब्याह कराएंगे। मैंने ना बेरा अपने दौरे इतना टाइम ना रह रहा कि बेरा कद के कद में का मेरा घर वाले रिश्ता देख लग जाए। तो ये उम्र खड़ा हुई है, और इसी की बात होगी जो घर वाले रिश्ता देखे हैं। तुम बात तो चला लो। बात तो मैं कर लूंगा यार, फिर थोड़ा टाइम लगेगा, बब्बू जाके डायरेक्ट बात किस तरह करूंगा? के टाइम लगेगा यार, मैंने तो भाभी ते भी बता दी कि मैं किसी छोरी ने पसंद करूं हूं और ब्याह करूंगी उसकी गेला, तुम बाबू ते भी बात नहीं कर सकते यार, तन्ना को मेरा बेरा बाबू का
तो बात तो करनी पड़ेगी। चल तो थोड़ा टाइम दे, मैं कर लूंगा, इतनी सीरियस क्यों है। ठीक से पर पक्का बात कर लियो। हाँ मैं कोशिश करूंगा। हाँ कर लूंगा पक्का। हाँ ठीक है। और फिल्म कौन देखनी है? वाह देखनी है तो आ जाए फिर। चलो गई नहीं तू तो तेरा मुंह पे ना नाट गया था वो, कौन जाना फिर क्या बात होगी। मुंह पे नाट गया था तो चली जाती, मैं अपना आप संभाल लेती। ये बात ना मेरा आगे आगे कब है माता। ठीक से तेरा आगे कौन है कहीं बन मने। हाँ तो जब मैं दोरे बैठी थी जब मैं कब है तू पाछे तो तू उससे का नहीं बोल रहा है। अच्छा हाँ तेरे सुन ली जा मारे बोल रहा है कदे तू बहुत ही मुंडी हो जा यार फिर बाद में छोरन कह दे। मतलब मेरा इतने यो लगा लिया पूत भी प्यारा खसम भी प्यारा तू किसकी काम कर रही है तू। ठीक है ना तो वो नु बात के लो लाने कौन देवा मने। मतलब मैं भरण लाग रही हूँ सुने तेरा क्या भरा है के भर दी वरण मने। नो भरा है गलत से भाई अपने दात्र रखे है ना जान दिए कौन जान दी ना कौन गई मैं आगी तो हारी दानी बीगा की लड़ाई मन ने क्यों पीसने लग गई है लाने खातर आई है तू इवनु दिखाने खातर अके का गई नहीं बेटी तू मैं तो तेरे कहानी थी मैंने बेरा जितने की मेरे कहानी है। ठीक से इब तेरे दिमाग में कीड़े चलना है तो बन कीड़े तो साफ को नहीं हो है तो कोई ना चलने दे पर मां मकन दी भी कोना तू कीड़े साफ कर रहे हां तो फिर मत ने कब जब जब तू इतनी भरी बैठी है तो मत मखा ले रहा है बना यो तो यो हालत जब जब बना के मैं कहे चोखम छोरे ने की मैं कहती को है तू बिना कहे उसकी के मजा अलग वो मानने को नहीं समझे को नहीं ना मतलब इसमें मेरी की गलती है। मैं अपनी ओर तो पूरी कोशिश कर ली तेरे मुंह ने अपनी ओर तो दिखावा करे है कोशिश कौन करी। ठीक से कोशिश करे तो मन ने जावे जब तेरे मन में ये पाप चल रहा है ना तो ठीक होया उसने ना जान दी तू। हाँ देखे ही भाई ना सच्चाई तेरा आगे ना तो कोई बात को नहीं नहीं गई ना मैं और अजीब मत ना जा तेरा छोरा विराजी हो गया होगा। ठीक से वो तेरे बेरा होगा राजी है ना राजी है बाकी तेरे तो बात तू तो और डाल की हो रही है। हाँ ये तो और डाल के लगूंगी मैं शामी जो बोल गया अस्तर है ना दास नहीं तेरी हामा ना मा रखा करती जब तक मैं कदे ना बुरी लग गई धंधा फूके जाओ बस इनका। भाभी हाँ भाभी की तो सुनो सामान हद रहा करती हूँ मेरी बात सुनो जोकर तुमने कही थी ना मैंने नुए बात करी है उसते फिर के ब्याह की बात चला ले अपने घर ने वो नु बोला के टाइम लगेगा नु सीधा थोड़ी ना बाबू तो कह सकूं हूं अब मेरा ब्याह कर दो। पागल बना रहा तेरा मेरी बेबे के लवी नुई हुई थी अग टाइम चाहिए है उसका पागल बनाए रहा और आखिर में उन्हें छोड़ के ना जानता रहा यो भी सारे काम करगा तेरी के लिए। ना भाभी बात तो वो कर लेगा पर मैंने कद कर लेगा एक बात बता जो उसने बातें करनी हो तो आज भी इसी बात होंगी और कुछ टाइम बाद भी उसी बात होंगी यो सिर्फ तने झूठे लारसे दे रहा है और कुछ नहीं। फिर मैं क्या करूं थोड़ा डरा उसने क्यों कर खुद का भी दिमाग लगा लिया कर उस तक प्यार करते आना दोस्ती करते आना मेरे तो पूछी थी क्यों करे तो भाभी डर तो मन नहीं लग गया उस तक। हाँ तू नू दिखाई जागी ना मैं डरू हूँ तो तेरा और फायदा ठाओगा वो और दबा कर रखेगा तने तू उसका फायदा ठा अपना फायदा ना ठान दे उसने समझ माई। पर भाभी मेरा तो कुछ भी समझ में ना आती मैं करूँ के या तो बताओ या भी मैं ही बताऊँ ऐसा के कर सका। हाँ अब जिसकी डर की वजह है वो तेरे तबिया कर ले या अपने घर क्या तो बात कर ले तो उसने ना कह दे अब मैं प्रेगनेंट हूँ अब प्रेगनेंसी वाली किट है ना वह मैं तने दे दूँगी वह दिखा दिए अब मैं झूठ ना बोलती देख मैं प्रेगनेंट हूँ इस दाब की वजह है उसका तो और कोई रास्ता ही नहीं रहेगा फिर तो दर्द तबिया करना ही पड़ेगा। भाभी तो हमने वेरा ना मेरे तो झूठ को नहीं बोली जाओ मेरे पेट में दर्द होने लग जाएगा। झूठ को नहीं बोली जाओ फिर ठीक से छोड़ दे बात बूत करना मैं बता दूंगा क्या ना ठीक से तेरा ब्याह भी करके ना भेज देंगे तने ब्याह भी तने उससे करना है और फिर मेरे हिसाब से भी ना चलना तने तो तुम जो कर कहोगे मैं नो चालूंगी लेकिन तुमने भी लेकिन के झूठ को नहीं बोली जावे तो ये घर के आगे भी तो झूठे बोलने लग रही है ना घर के आगे भी गेम खेलने लग रही है ना तू कॉलेज में जा है तू और दिखावा कर रही है झूठ बोलन का तो मैं थारे तो बताऊ ना सारी बात तो मेरे तो बताई है ना तो मेरे बताई है तो मैं उनका समाधान बताने लग रही हूँ तेरे आगे समस्याएं के हैं आगे के क्या आऊंगी तू देख आज मेरी बेबे की दुर्गति हो रही है ये छोरे सिर्फ झूठा लालसा देने क्यों और कुछ को नहीं तेरा फायदा ठा लेगा उसके बाद जड़े उसके घर के कम होंगे ना उड़ा वो ब्याह कर लेगा तेरा मारेगा लात जा तो मैं तने कहूँ टाइम रंधे संभल जा और जो कर मैं कहने लग रही हूँ ना न्यू कर मैं तेरे फायदे की ये बात बताऊँ तेरा बुरा थोड़ी चाहूंगी मैं समझ रही है और कोई बात को नहीं ब्याह हो जाएगा फिर सच्चाई बता दिए अब तो ब्याह खतरा को नहीं भरा था जा मारे मने यो छोटा हा झूठ बोलना पड़ा
उससे खातर तो बोल लगी हो झूठ तू। इतनी घबरा रही है बीवी। भाभी नू बता, अगर मैं उस तनु झूठ बोलूंगी तो वो सच्चे में मान जाएगा। हाँ तो रास्ता की होगा, दोनों बता कोई रास्ता रहेगा। फिर तो उसने अपने घर के तो बात करनी ही पड़ेगी। अजय तेरे में इतनी दमबाजी ना है ना, तो छोड़ छाड़ दे उसने भी, छोड़ दे कॉलेज ने भी, घर के ना कह दूं ब्याह की उम्र हो रही है छोरी ने, ब्याह भी होकर भेज दो अगले घर। ना भाभी, घर के तो ना बताइए, मैं कह दूंगी उसने। हाँ कह दिए उसने, और सही कहूँ मैं, वो फिर बात कर लेगा। समझ माई, तो इतनी घबराने की जरूरत ना है। आजकल छोरी वे कितने बड़े बड़े गेम खेलने छोरे गेला अपना बनाने खातर, ऐ तो छोटी सी बात है, तू इतनी छोटा झूठ ना बोल सकती। बोल दूंगी। हाँ बस, तो फिर डर क्यों रही है, उसे कहनी है तने, और बात बन जाएगी। पर वह किट कड़े तो लेकर आऊंगी मैं। वो काम मेरा है, तू इतना दिमाग ना लगा उस चीज पे। ठीक से जब मैंने आइडिया दिया है ना, तो उसने पूरा भी मैं ही करवाऊंगी। ठीक है। हाँ ये लत्ते बदल ले, गेर में चलेंगे, गोबर पड़ा वो लगा का ही है। पर मैंने असाइनमेंट तैयार करना था। तो आके कर लिए, उसमें घनी बार ना लग गया, घंटे का काम है। जा तो जो फोटो भेजा था वो तो देख लिया होगा तने। हाँ देखा ही मैं। तो फिर के यार, गोली वाली ले दूंगा। गोली और के? ना ना, मैं गोली को नहीं ले हूं। तुम बात को नहीं कर सकते के घर ने? यार बताई तो थी उस दिन, टाइम लगेगा थोड़ा। तो टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा? मान्या कर यार, गोली गाड़ी ले ले। कैसने नुको, मैं ही अपने घर के ने के बताऊं, पेट में बालक रहे है ने, लेके किस जांगी मैं? तो तुमने बताओ नहीं, मैं घर क्या तक के जवाब देऊं? बालक रहे पेट में तो कड़ जाऊंगी मैं भी इसने लेके ना। तो कहन तो लाग रहा बालक खतरे, गोली दे दूंगा तने। गोली? तुम पागल हो रहे हो के? मैं गोली को नहीं ले हूं। यार समझे कर के समझो नू कहियो प्यार करया था तने। ठीक सा है, मेरे खातिर तू स्टैंड भी ना ले सकता। तो मैं गोली को नहीं ले हूं। और मने एक बात बताओ, यो ये प्यार था कि तारा कि तुम मेरे खातिर स्टैंड भी को नहीं ले सकते? यार प्यार की कौन सी बात आ गई इसमें, समझा कर नहीं सा यार। तो मैं तो समझ रही हूँ, तुम तो समझो। मुझे जगरा बात नहीं करी ना मैं, कि मैं खा पी कर मर जाएंगी। जगरा बात ना करी ना तो देख लियो मैं, कि मैं खा पी कर ना मर जाऊंगी। पागल ना हो, ठीक है? मैं पागल ना होती, मन तो बता दी। इब तुमने जो करना ना वो कर लियो, और जब तारते बात ना होती हो तो मैं बात कर लूं। अरे ना यार, तन्ना कोई बेरा मेरे घर का कह भी। ठीक से मने ना बेरा ना, तो मने जानना भी कोनी, मैं तमने जानू, बस तुम घर वाला तो बात कर लो कि क्यों करे ने क्यों कर ब्याह खातर मान जा। तो ये गोली ले लेगी तो क्यों जाएगा? मैं को नहीं लेऊं जब गोली कह तो दी। भाभी नु को बात कोनी, इतना मरण की धमकी दे दी ना उसने, उसके आप हाथ पांव फूल जाएंगे। ठीक से तू देखिए, थोड़ी बार वहां पे फोन ना लेगा, से तो करके तो बातें कर लेगा वो, से फिर तृती बताए देगा तने धोखा दे रहा था। यह बात तो मैं भी कहूँ थी तने, प्यार प्यार कुछ ना करता हो, प्यार करेगा तो बात भी करेगा, तने लेकर भी जाओगा। ठीक से? पर भाभी तुमने बेरा ना, मैं उसके बिना को नहीं रह सकती। तो यह बात तो मेरे तक ही बतावे है, यह बात तुम उससे बतावे, उसने बेरा होना चाहिए इस बात का। ठीक से प्यार करता होगा तो तेरे खातर स्टैंड भी ले होगा, घर के तो बात भी करेगा, अच्छा तेरा फायदा ही ठा रखा होगा ना, तो वो फोन करे और ना घर के तो बात करे। और एक बात मेरी और सुन, असल में तो उसका फोन नहीं आ जाएगा, और जब फोन नहीं आया ना, तू जाकर ना उसके घर के तो बात कर लिए या फोटो दिखा दिए, माँ बाप की जब बेइज्जती होगी ना तब व्याप पे बेइज्जती के डर तो हाँ भर देंगे रिश्ते की, और खुद आकर ना तेरे घर के तो बात करेंगे, तेरा हाथ मांगेंगे, उस खातर सारी बात नू सिरे गल जाएगी। भाभी उसका बाबू ना बहुत खड़ूस है, और मैंने बेरा है वो ना मानने, तो ब्याह की आँख क्यों कर भर देगा वो? तने थोड़ा बहुत विश्वास होगा अपने प्यार पे? नू तो विश्वास है भाभी, पर नू जबरदस्ती ब्याह करना के ठीक होगा? जबरदस्ती के किसी और तो ब्याह करे है तू, प्यार करे है उससे, वो तेरे तक करे है। अरे एक बात बता, छोटी मोटी कह सुनी के थारे बीच में होती है गुना? ना नू तो लड़ाई होती रहे है, फिर मान भी जावे है। तो बस इतनी ऐसी तो बात से, ये थोड़ा बहुत गुस्सा होगा तेरे पे फिर मान भी जाओगा, बात तो सिरे गल जाएगी। मन लागे बाबू आ गया, नू कर वेला ते तार कने, तू नीचे चल मैं आई। ठीक है। बापू खड़ूस है, जब तो बात बनेगी, जब वो आड़ा आकर ना रुक के मारेगा, जब तो थारे घर के की बेइज्जती होगी, इतना इन भी के बेरा लगेगा। बापू तेज है। माँ वक्त बहुत बेकार आ रहा है,
अरे छोरी ने टाइम तब याद आएंगे तो ठीक रहवांगे भाई, बालक ने देखांगे बालांगे न्यू हरे गेरे न थुक हरे गेला थोड़ी ना बेजनी है ठीक है। और छोरी में कोई खोट ना कोई ऐब ना, बढ़िया सुथरी छोरी है, पढ़ लाग रही है, लायक बरबटे ढूंढांगे भाई न्यू को ना देख गदड़ की तावड़ में बेर पकाए जा कत्ता क्यों ना के मैं कहने लाग रहा हूं, मेरी बात सुन, छोरा बड़े उम्र का हो जाए ना तो छोरा ब्याह जाया करे, छोरी की उम्र लेकर जा रहा है, छोरी घर बैठ रह जाए। तू तो करया कर उल्टी बात, तन्ने तो उल्टी कदे आई है कोने जिंदगी में, ब्याहनी तो सही ये बात बता, छोरा क्यों ब्याह जा कर, छोरी क्या तो छोरी ना ले जानी है थोड़े से, तो आजकल इतनी डिमांड हो रही है अक बुझ ना कहिए, ये है ना यो प्रदीप का भी मड़ा टेम तो हो रहा है ठीक से, नलवांडा बगिया पे झूले झूलता तो इसने कितनी बड़ी उम्र के बाद में ना नु कण लाग जेंगे लोग कि मैंने कि मैं खोट होगा जदे घर बिठा रखे ए भाई तुम अपने है ना बेरा के ता एक ता तमन बीच में बिठाए मना करो का फिर मेरी सुन लिया करो भाई कि मैं निकन ते लोग मर खान न दाने को नहीं गिर के जा, लोग मारी बात ना सुने, जिसने जो मुंह बनाने है ना वो ब्याह देगा जिब भी बना देगा, और ना बनाने होंगे ना तो वो चुप रहेगा, किसी ना लोग ना दूसरे ना कोई मतलब ना होता, पर मारे तो घर में फाचरे मारन लागे जा बेटी रस्ते की बात कर रहे हैं तो फिर रुक जा ना तू एक बात बता मेरी देखिए तो मुंह उतर गया छोरी का, हां रुक जा पहले बात सुन लिया मुंह उतर जाएगा मां तो आड़ घर में बिठाए रखेगी इसने, एक बात बता इसकी सुन लो भाई, हां मेरी सुन ले पहले, या पढ़ल ना गरी है इसके पढ़ते पढ़ते ही ना ब्याह दे, इब तड़के आ पढ़ के कि लागी फिर तो ना अफसर चाहिए, आजकल अफसर छोरे की तो पानते नहीं, इन तू घर बैठा के मेरी छाती के ऊपर रखेगी के बावली बात ना करया कर, ब्याह ने क्यों रे उम्र की हुई है की देख ले बाबू एक और पंचायती आ गया बेटी, हम इसके बारे में गलत फैसला लेंगे के ये छोरा रहा मैं रहा दोनों इससे बड़े हैं उम्र में, तो के मैंने के मैं कुछ सोच के तमा जा फिर अपना घर, मेरा के काम ना हो तो मैं चली जाऊं अपना घर, मेरी चालनी तो सह को ना मेरी किसी ने माननी के करे गुड़ा घर जाकर तेरे मार के लाठी तने ताए देंगे, वे मैं जानू हूं तेरे भाइया ने कितने नीच आ गए ना अपनी औकात पे, तुम पाछो लड़ लियो ने बात इसके फ्यूचर ए अम्मा ने कह दी इब्बा भाई बालक ने देखांगे बाड़ांगे इब्बा कोनी बनते, बस देख ले भाई इसके तो ये काम से सदा तो इसने अपनी चला, ये ताना से छोड़ दे घर की सरकार मत बनाया कर, तू बात मान लिया कर पहली बात बेटा दे मेरी बात सुन, तन्ने मेरी बात बुरी लागे है ये भी आप पढ़ा है, इसकी पढ़ाई ना पूरी होलन दे, देखना तो रुपये ना न्यून के रहेंगे ना न्यून के रहेंगे, तो के एलएलबी करवाओगी मां इस पे ठीक सब तेरी पढ़ ली भाई, जब मेरी इतनी अगर मसाला है तो फिर तुम अपनी चला लियो कर लियो जो तुमने करना है, रल मिल के होया करे ये काम, एक दूसरे की सलाह सहमति भी होनी बहुत जरूरी होया करे, तन्ने तेरे बस मुंह खोल कर बांधना आवे कदे किसे की सुन लिया कर, सदा तो बोलती आई है तू, राम ने तेरे दो कान भी दे रखे एक जबान दी है ते, सुनोगे मैंने होती पढ़ाई बिना के आज के टाइम में कुछ भी कोनी पढ़ रहन दे बे रहन दे रहन दे, ये चावा है तो ओलन दे बता मानू क्यों करो ओलन दे ई बा तो मैं पढू हूं, और या बात दस ना कह ली अब बाबू सबकी जुबान पे एक के बात कहता है मैं पढू हूं या पढ़ा है या ही चीज दिखाएगी, तो भाई की उम्र हुई है मेरी किसका बतेरी और इसा उम्र है वो सुनाएगा तेरी, और वो करना जो तू थोड़ी कम नहीं बोल ले है 24 साल की होली है 24 साल की होली, इब इसने कद ब्याह हो गए वो सतवीर वाली छोरी 10वीं करी थी 18 साल की ब्याह पंजाबियां के बालक से ना 30-30 साल 32-32 साल तेरा पंजाब पड़े देख लिया, इब टाइम तेरे दुरे भी कोनी, मन्ने तो बताए समझान की कोशिश करी पतन दाऊ डाल बेरा है तेरे भाई का आगे ना तो माँ बाबू की चाल है और ना चाल है मेरी, उन्हें वो करना है जो उसके मन मारी है, तो मैं क्या करूँ भाभी बस नहीं करे जी मैं क्या करूँ भाभी मैं क्या करूँ भाभी, तारे आगे तो बात हुई थी उसने भी नुक एक मैं बात कर लूंगा करने, वो बात बहुत कौन नहीं करे, ये तो एक का तरीका है लड़के इस कॉलेज में जावा ना जब अपना सारा सामान सामान गाल लीजिए, और उसने कह दिया मैं तो घर छोड़ आई इब तेरा भरोसा है, और वो ना मानना है और तन्ने समझाने की कोशिश करे तो सीधे उनके घर पहुँच जाइए उनके घर के आप समझा देंगे, पर भाभी मैं नू बैग उठा कर जाऊंगी भाई तुम भाई के भाई ने तो मैं आप समझा दूंगी, बस जाओ जब एक लेटर हाँ लिख कर ना छोड़ जाइए, अगर मैं अपनी मर्जी तैयार अपनी खुशी तो जाऊँ और किसी तो प्यार कराया करती पाछे मैं उन्हें तरीके से आप समझा दूंगी, तेरे ऊपर कोई बात को नहीं आने दूँ मैं समझ मांगी, जब वो तेरा हाथ में तली गड़ गया फिर देख पूरी जिंदगी तो तेरी खराब, जिसका तने ये ब्याह होंगे उसकी खराब, ये तो ब्याह रगत रहा भाई तो उसकी गेला जबान इसकी जबान सब तो पहला मसा, और जाओ सारी चीज़ बाढ़ मैंने जबान दे दी होगी अपने यार दोस्त है, तो वही बात मैं बताऊँ तेरे दर ना तो टाइम्स है और तू अपना ठाकर ना सामान और तड़के चली जा लिकड़ते फोन कर दिए अगर मैं तो घर बार छोड़ आई हूँ आप आओगा तने लेना समझी ठीक है, हाँ तेरा बुरा ना चाहती मैं नो बात का बुम आओगी इब चल फालतू ना सोचेगा नहीं
पर जो कही है ना वो कर लिए। चाल क्यों डरन लग रही है, लंबे लंबे सांस ना ले, जो कहूँ सही कहूँ। ये बापा पढ़ी जागा कि बताओगा के लिख रखा ही मैं के बताओ। बाजगी तेरी छोरी बाजगी हमरे न्यू क्यों कर बाजगी चुप कर बात जा करे। मैंने तेरे तो पहले के जूस दन उड़ा बैठी थी जब तू देखे टाइम तो पहले नहीं छोरी ने। क्यों होया बाबू, क्या तो गर्म हो रहा है, क्यों होया? सही हो रहा बाबू, गर्म है, ले पढ़ ले। तो मन ना के न्यू सोची मन ना तेरे तो कोई थी छोरे की उम्र लेकर जा है ना वो फिर भी ब्याह जा है छोरी की उम्र लेकर छाती में बैठी रह जा करे। छोटी सी गलती होगी थी, हर बात उल्टी भी आ गई थी, इब जान तो मार दी तेरी बाण ने। मेरी आख्या का आगेगी ना तो मैं इबी भी जान तो मार दूंगा उसने। अरे खड़े खड़ी तो ना आवे टोले ना जाके ने। तू आराम से बात करे, तो तू आराम से बात करूं ए बेटी। बतेरे दिन लिमी बरतली मने बेटी डट जा, अन्यू तो देख ले घर का माहौल के चल रहा है। कौन सा माहौल है, कितना है, कौन सा माहौल है, जब ना बोले करती तू, जब ये मेरी बाण खतरा उल्टा सीधा बोले करता तो बतेरी क्या करती, क्या करती बतेरी। बेटी डट जा, सही कही है किसी ने, जब खुद का लग गया ना, जब भी मेरा लग गया मानस ने, आज मेरा लग गया, ये दुख हो रहा है। टोलियो मेरे को धक्के मारना करी है, जाओ टोलियो कि टोलो मैं तो बता के जा रही सके वा, मैं पता नहीं फलानी जगह बैठी पाऊंगी, मैंने लेना जियो। अरे वो कहते इस पल्ले ले छोड़ दे, अरे शर्म कर ले मेरी, अगर मैं ससुराल उतरा तेरा तो बात सुन ली बाबू, बतेरे दिन शर्म कर ली। अरे मैंने लू लगा है इस कांड में कितने ने कितने इस बहू का भी हाथ से मेरे फिर आज तू इतनी कर ली पकड़ के छोड़ आई उसने। बाबू मेरी माँ की वजह आज इसने बोलने का मौका मिल रहा है, नहीं ये क्या ना सांस काट जा रहा है। बेटा है वो माँ कह दे है, बहू है वो माँ कह दे है, की वजह मौका मिल रहा है, मौका दे के गई अगली। अरे एक चोट लगी, एक चोट लगी, एक काला टीका लग गया बतेरा, इब तुम आपस में लड़ मर के क्यों मेरा ढूंढ गया कती नाश, उजड़ खेड़ा मचा दो तो मचेगा, कल गांव ने बेरा लगेगा, कंप्लेंट करने जाओगे जब सारे गुआंढ ने बेरा लगेगा। बेटी आने की छोरी बात डट जाएगी, तू अरे सुना देगी गाल में तो ठीक से डट जा, अरे मैं कितना कोने जा ठीक से, गलती करी है अगली ने करी है, भुगता की दवा भुगता की, अरे हाँ आज भी मैं नुको हूँ, चलो कोई बात ना, मेरी बेटी है उसने जो भी कदम उठाया है, अर्जा उल्टी आओगी ना इस घर में, आज भी मैं उसने अपना उन खतर तैयार हूँ, क्यों मैंने मेरी बेटी मेरी औलाद की खुशी चाहिए। बाबू ये बात है आज भी यही बात कहूँ जो मैंने उस दिन कही थी, अरे देखे बहू मैंने लग गए से तने कह ना कह बात का बेरा था, अरे तने ना मारी आंख बंद कर दी, तने मारा चश्मा ला दिया, अब एक दूसरे ना कही जाइयो। भगवान मैं तेरे भी यह बात कह रहा हूँ, जब मन टाइम तो बेरा पट जाए ना, अरे आज हमने वो दिन नहीं देखना पड़े, उसने शर्मांती ने मृत्यु बताई कौन है, तमने के मैं जैसा लागे था, अरे तुम मेरे काना गाल दो है, मैं उससे खुद बूझ लेता बेटी तेरे भीतर ले में कोई बात से, अरे सह तमने बेरा पटे मैं हल्का ढूं इस चीज का। बाबू यह सोच तेरी है और मेरी सोच तो आज भी वही है, यो काम करके मेरा आख्या गागी ना, मैं तो जानता मारूंगा उसने। किस तरह मार देगा के कहो हो, अग मार दूंगा। सही कहूं मैं, इस तरह ही छोरी का जीना कौन मरदा। डर जा डर जा, पहचाने नहीं जी आप। चौधरी साहब पहचानोगे किस तरह, आप मिल ले पहली बार सा, मैं इस गुड़िया का ओन आला ससुरा हूं, और जो यह छोरी इससे प्यार करे है इस बेटे का बाप। एक बात बताओ, हम अपनी जिंदगी जीवा सा, कदे अपने बड़का ताई टाइम दे सा, अब तुम के करो सो के नहीं नहीं बूझते ना, ये हमारी मोटी गलती से, अरे इन बड़का ही दिल में बहम हो जाए से, अब कदे बाबू ताई बता दिया माँ ताई बता दिया कदे उल्ट कहानी हो जाए, तो मैं तो एक का बात कहूंगा अपने बड़का ते, बेटी है तो अपनी माँ की गल्या, बेटा है तो अपने बाबू की गल्या, उन तो बूझ लिया करो भाई किस तरह पड़े से के जिंदगी में चल रहा से के नहीं, जो आजकल केस होने लाग रहे हैं, बच्चे फांसी खा ले हैं, रेला तड़े कट जाए हैं, वो सिर्फ इसलिए आके एक मन में डर हो उनके एक बेहोश है, जिसके कारण ते वो इस जिंदगी तक छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बड़ास किसी तक बता नहीं सकते, जिस कारण तक घरों जड़े से। अरे 1947 में हमारा भारत देश आजाद हो गया था, पर हम इब तक आजाद नहीं हुए हैं, उनने पुरानी बातें मोड़ जे पड़े हैं, अपने बड़का तक खुल के बात नहीं करते, अरे आगे जो आने वाली पीढ़ी है वह मेरा ना किसी है किसी है, अरे मोबाइल में किताबा में सारी चीज पढ़ने ना मिलती, कुछ संस्कार माँ बाप दिया करें, बड़े ठेरे दिया करें,
उन ताई भी टाइम देना चाहिए ताकि बालक गलत ना चल ले। और मन बड़ी खुशी है आज मेरे बेटे खातिर आपकी बेटी बहू बन के मेरे घर ना आओगी। इब न्यू बताओ आपने कोई दिक्कत हो तो मन बताओ। ना चौधरी साहब मन कोई दिक्कत नहीं, हर मन तो बहुत खुशी से इस बात की, नहीं तो मेरा तो डूब का मरण कर रहा हो गया था। चौधरी साहब आप जिसे लोग से ना इस धरती पर तय या दुनिया का ये नाटक रीस है, आपने मेरी लाज बचा दी, मेरी पगड़ी का मान सम्मान डाग लिया। चौधरी मैं एक बात कहूँगा चौधरी साहब, बड़े सैने न्यू कहा करते अगर मलोगा की चल लिया करे ना तो वो घर बसिया ना करे, लेकिन यह बात भी हमने नहीं बोलनी चाहिए, कई बार लोगाई भी शैनी बात कर दिया करे। तो हमने सब परिवार की बड्डिया की छोटिया की सबकी राय लेनी चाहिए। तो आगे आने वाला जो टाइम होगा उसमें कदे गलत काम हो ही कौन है, आज छोरी बाजे हैं छोरे बाजे हैं क्यों, सिर्फ मारी कमी के कारण। ठीक हो चौधरी साहब। तो इस आने वाली जनरेशन ने हम एक शिक्षा देवांगे, अग भाई थारे मन में किम भी बात हो, बिटिया है बेटा है, उनकी मन की बात ले, जो बनना चाहे पढ़ाई लिखाई में स्पोर्ट्स में कितने भी कोई सी नौकरी में इंटरेस्ट है फौज की में पुलिस की में, उस लाइन के लिए हमने मेहनत करनी चाहिए। ठीक हो जी आप चौधरी साहब। बेटी बेटी मैंने एक बात बता, देख चौधरी साहब बड़े खड़े हैं सबके सामने, मैंने एक बात बता। हाय बेटी मैंने आज ती है तेरे ती कोई कमी रखी थी है छोरे तभी फालतू मैंने तेरे ती लाड दिया, तो मेरी बेटी तेरे मन में इतना गलत काम करने की आ चुक कर गई, तने मेरे तक बताई क्यों ना, मेरे पर भरोसा कौन था के तने। बाबू थार पे तो भरोसा था पर भाई ते डर लग गया था, और मैं ना भी जाती पर भाभी ने कही थी घर के ब्याह ना करावे तेरा, तू चली जा। अरे बेटी आए मैंने तेरा के बिगाड़ दिया था, तू तो नट थी तो माँ के करती मैं के बोल थी। डर जा भाई डर जा, बड़े खड़े हैं। नहीं तू तू तो नट थी तो बात के लिए बेइज्जती कर रहा करता मेरे घर का की बेटी फिर मेरी पान की। ए बेटी यो तेरा घर कोने के, इसका मतलब यो सके तू मेरे घर का ढूंढा करेगी के बाबू, अपने घर की इज्जत लुटा थी बाबू, बदला लेना था मैंने। रुक जा बेटी इससे जो बात ये समझाना है ना आज, ये बात मैं कभी तक समझाऊंगी तेरा पर तेरे समझ में। ए बहू एक मिनट डटेगी मेरी सुन बेटी, जिस घर में तू ब्याह लिया रही है ना अपने सासू ससुर ने, जब माँ बाप समझेगी ना जब बहू अपने बेटी समझेंगे, और जब तो उन ससुरा और सासू समझेगी ना तो वो फिर बहू वाला व्यवहार करेंगे। कमी हो हमारे में, हमने इज्जत करानी अपने हाथ में हो है, पर तम अपनी चलान लाग जाओ सो एक मिनट में घरों जड़ती है ना वार ना लाग गया करे, थाने तहसीला जानती है ना टाइम ना लाग गया करे, पर कल जाओगी ठीक से ये बड़े शाना की देख लिया करो, पहले कुण बेरा आ करते पांच पांच आठ आठ दस कुण बे कट्ठे एक चूल्हे पर रोटी बनाया करती, अरे बहु आवज है और नारे चूल्हे टेक जाए के हो गया, अर गाम तमाशा देखेगा कोई तमने कट्ठे करन ताई ना आवे, सब छाता बजर जर तमाशे देखा रे। चौधरी साहब मने तो इस बात का बेरा भी कोना था, मने तो है ना अपने भलका की त्रिया, मैं तो नहीं छोरे की त्रिया रखा करता। अरे वो जय है ना मंदिर का चोर पुजारी हो जाया करे, अरे तो वो चोर नहीं थया करता है और जय छोरी नहीं आवे, ये खड़े हैं देखो भगवान का दर्जा दे दिया है आज मने इनती, जा आज ये टाइम पे नहीं आते ना तया छोरी नहीं आवे, सब भाई मने होया करे बेरा नहीं पटे बाबू तेरे में पानी मरे, सारी गलती मेरी है के इसकी गलती कौन नहीं थी। आओ तू भी सही रहे क्योंकि मारी तो जिंदगी भी रहना पांच साल की दस साल की, अरे थारे आगे तो पूरी जिंदगी पड़ी है, आगे थारे बालक होंगे उन ताई भी शिक्षा देनी है, जिसा कर्म और जिसी सोच रखोगे ना थारी गल्ला उसी ये बनेगी, जब अपने माँ बापू की सेवा करेगा तो तेरी बुढ़ापे में हो जाएगी ना कि छात पर खाट गली पाओगी। ना जी ठीक साहब का बहुत धन्यवाद, आपने इतना होना होया है इतना कुछ कराया है, मरते ही हम तो आपके सारी जिंदगी रेणी रवानगे, और जो गलती इसने करी इन के बेरा इसके दिमाग ने किस तरह करी है या भी कोनी करेगी आगे। तो ये काम कर तू बड़ी है और यह बिटिया छोटी है, इसने छाती के लगा और अपनी माँ के पैर छू बाबू के, और जितना इन बुढ़े आगे चौकोगे ना उतना ऊपर जाओगे, आशीर्वाद ले। नजीन तेरे बेटा भगवान तेरी उम्र लंबी कर, इब के बच्चा पानी पियाओगे के बेटी तब ना आशीर्वाद लिया बाबू हाथ में ला ले इब इब ना आशीर्वाद लिया, चलो देवता समान आदमी से आज बैठो मचा ले मगा चौधरी साहब। हाँ जी
चौधरी तो जवान ने ले रहे हो, कई साल छुट्टी लाए थे के? ना जी कोई बात ना है जी, वो तो नचले उजले के कारण मेरे ढाडिया के धोले हो गए और के मैं लत्ते धोने का साबुन खा रहा हूँ। तेरी तो मैंने बेरास है, ये छोरी दोरे बुझली दारू पीव है तू दोनों टाइम है। बस या थोड़ी ही माड़ी ही मोटी ही कमी लागे, इन्हें छोड़ दे, गणी ही अच्छी चीज ना से चाचू पिया होगा के चौधरी। ठीक है, आ जा।